सीन के बारे में बताइए इंपॉर्टेंट के। ये क्लाइमेक्स हम शूट कर रहे हैं जहाँ पे ये जो गून है इसका नाम है राम्या। तो राम्या और जो मेरा जो रियल ब्रदर था बाबू वो एक ही गैंग में थे। तो बाबू बीच में मर जाता है लेकिन राम्या काफ़ी टाइम तक यहाँ वहाँ भागता रहता है। तो क्लाइमेक्स में उसका एनकाउंटर होता है, वो सीन चल रहा है। तो आप कौन से कॉकर रोल प्ले कर रहे हैं? मैं विकास सावंत प्ले कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मुझे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि टीवी पे जब भी कुछ करूँ या फिल्म्स करूँ हर एक कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से बहुत अलग होना चाहिए। तो ये और टीवी में मेरे ख्याल से मेल एक्टर्स को बहुत एक लिमिटेड चांस मिलता है जहाँ उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिले। और मेरा पिछला शो द्वारकाधीश था जहाँ पर मैं लॉर्ड कृष्णा बना था। तो उसके बाद एकदम अब ये कॉप का कैरेक्टर प्ले करने में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो कितना डिफिकल्ट हुआ कॉप का रोल प्ले करना? डिफिकल्ट तो मुझे पता नहीं उतना कितना रहा क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्ट डिफिकल्ट मेरे लिए लॉर्ड कृष्णा प्ले करना रहा था क्योंकि वो कैरेक्टर मुझे अच्छे से समझने में 1.5-2 महीने लग गए थे स्टार्टिंग में। लेकिन ये कैरेक्टर थोड़ा मेरे ख्याल से नेचुरली आ गया मुझे क्योंकि काफ़ी आपने ऑब्वियसली कॉप्स के शोज देखे होते हैं, थ्रिलर देखे हैं, फिल्म देखी हैं। तो मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत मज़ा, एक अलग बॉडी लैंग्वेज रहती है, रफ एंड टफ रहते हो, आपकी डायलॉग डिलीवरी वैसी होती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बाकी मेरे ख्याल से ऑडियंस को जैसा लगेगा। तो आपके नज़रिए में जो एक्टर्स जो कॉप का रोल प्ले किए हैं तो आप किसको उनका इंस्पिरेशन मतलब एडमायरर मानते हो, उनको कौन से एक्टर को? मुझे हमेशा लगता है कि आप कभी भी किन्हीं दो एक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप एक ही सीन अगर किसी किन्हीं पांच एक्टर्स को देखो तो पांचों के पांचों अलग करेंगे, वो करना भी चाहिए। अगर मैं किसी को देख के अगर उनकी तरह परफॉर्म करूँगा तो ऑब्वियसली मैं फिर परफॉर्म नहीं करूँ, मैं इमिटेट कर रहा हूँ, तो वो मैं कभी करना नहीं चाहूँगा। और मैं जब द्वारकाधीश भी कर रहा था तो मुझे कहा गया था कि आप महाभारत देखिए हो जैसे नीतीश भारद्वाज ने किया था, तो वैसा तो मैंने कभी एक एपिसोड एक सीन भी नहीं देखा उसके लिए। तो मुझे लगता है जो आपको हर एक एक्टर का एक अलग वो इनसाइट होती है हर कैरेक्टर को लेकर, तो जैसे खुद को ठीक लगे वैसा परफॉर्म करना चाहिए। वैसे ऑटो शूट करना और गर्मी के मौसम में कितना मुश्किल हो जाता है? आई थिंक जब आपको काम में मज़ा आ रहा हो तो ये सब चीज़ें बड़ी सेकेंडरी हो जाती हैं। काम में मज़ा ना आ रहा हो तो फिर आपको आपकी शर्ट भी तंग करेगी, आपके शूज़ भी तंग करेंगे, आपकी सराउंडिंग्स भी तंग करेंगी। लेकिन जब आप मेरे ख्याल से उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो और आपको बहुत मज़ा आ रहा हो तो आप बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, आपका ध्यान भी नहीं जाता है। तो वैसे अपने आप को गर्मियों में कोल्ड रखने के लिए क्या करते हो? मैं वैसे भी मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव और हैप्पी गो लकी काइंड का लड़का हूँ और ज़्यादा मैं स्ट्रेस लाइफ में लेता नहीं। और मुझे लगता है आप हर दिन जब अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग जगह पे काम करते हो, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में बेस्ट यही रहता है कि आपकी एक लाइफ में आप कितने अलग अलग कैरेक्टर्स आप जीते हो और हर एक कैरेक्टर की एक अलग जर्नी होती है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम एक्टर्स हैं। थैंक यू।